बीएन शुक्ला जी, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, जी जी फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। जी मेरे पास नंबर सेव है ना अच्छा, ये दो नंबर है, ये दूसरा वाला नंबर है, ये सेव है आपके पास? जी। हाँ ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप इस उम्र में इतने एक्टिव हैं, और अभी मैं आपका देख रहा था कि आपने क्राइम फ्री भारत का जो ऐप है उसमें आप जी सदस्य भी हैं, लेकिन मुझे जी जान के बड़ा ताज्जुब हुआ कि जी आपने अपने ऐप के माध्यम से किसी को नहीं जोड़ा है। तो क्या मैं आपको इसकी प्रक्रिया समझाऊं जिससे आप बड़ी आसानी से 9 दिन के संकल्प में जो अब भूमिका आप ऑलरेडी निभा रहे हैं, क्योंकि जी ढेर सारे लोगों से आपने मेरी बात पहले ही कराई है, राइट? जी तो आप एक्टिव हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। क्या आप इसके साथ में ये भी कर पाएंगे? क्यों नहीं तो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं, आप अपने ऐप को क्या रोज खोलते हैं या नहीं खोलते हैं? रोज एक बार जय बोलना जरूरी होता है। चलिए, तो आप जब ऐप को खोलें तो ऐप में सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है जिसमें जी आपका आइडेंटिटी कार्ड है। आपका कभी जी ध्यान गया इस बात पे कि नहीं गया? जी नहीं, आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपनी प्रोफाइल को क्लिक करके कभी देखा है या नहीं देखा है? देखा जाए देखा है। तो हाँ हाँ पहले वाला भी देखा है और एक तो दूसरा भी बन गया है, पता नहीं कैसे बन गया। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा, और ये बातचीत अपनी रिकॉर्ड भी हो रही है, तो कल एक क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी हो जाएगी, जी तो वो हाँ ध्यान से आप मेरी बात थोड़ा सा सुनिएगा। आप अपनी क्या आप इसको स्पीकर फोन पे लेके क्या आप अभी अपने ऐप को खोल पाएंगे क्या? मैंने बात करते हुए खोल देना। हाँ, बात करते हुए को इसको स्पीकर पे ले लेंगे तो आप बात भी करते रहेंगे और आप आगे खोलने का काम भी कर पाएंगे। ये हमको समझ में नहीं आता है। स्पीकर देखिए, जब आप बातचीत कर रहे हैं तो उसमें एक स्पीकर का निशान बना हुआ है। इसका मतलब है कि फिर आपको कान में नहीं लगाना होगा, आपको आवाज उस फोन से दूर से भी सुनाई देगी, तब आप फोन पे स्पीकर जो है ना ऐप को खोल पाएंगे। को ऑन कर रहे हैं। हाँ, स्पीकर को ऑन कर लीजिए। ओके जी आप स्पीकर को ऑन करने से आप अपने फोन को दूर ले जा सकते हैं, ठीक है ना? जी अब आप जो है ऐप को खोल लीजिए, क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है उसको जरा आप जी खोल लीजिए। जी खोला आपने? जी खुल रहा ओके, तो है, खुल गया। अब आप ऐप के खुलने के बाद देखिए, नीचे की तरफ ऊपर भी आइकॉन है, नीचे भी आइकॉन है। तो जी हाँ सबसे नीचे जो दाहिनी तरफ है उस पे आपका प्रोफाइल लिखा है और आपकी फोटो भी उसमें दिख रही होगी। हाँ बिल्कुल है, आप उसे देख पा रहे हैं क्या? देख रहा हूँ। देख रहे हैं। तो उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आपका मेंबरशिप नंबर वगैरह भी है, ठीक है ना? जी क्लियर? वही मैंने बताया कि मेरा दूध बन गया है। जी कोई बात नहीं, आप किसी को भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि जी आपकी हाँ दो प्रोफाइल बन गई हैं तो वो दो मोबाइल नंबर के कारण बनी होंगी, आप दो मोबाइल नंबर का यूज करते होंगे। जी हाँ दूध है। हाँ, तो वो दो, हर मोबाइल पे आप अलग अलग अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, तो शायद आपकी इसलिए दो बन गई है, ठीक है ना? जी हाँ अब आप इस अपने आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जरा देखिए, चार लिंक आपको दिख रही होंगी, दिख रही हैं? आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जी जो प्रोफाइल का जो आपका आइडेंटिटी कार्ड दिख रहा होगा ना, जिसमें सदस्यता नंबर वगैरह सब लिखी होगी, उसको इसको हाँ थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो उसके नीचे चार लिंक हैं, जिसमें पहली लिंक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, दूसरी लिंक है जी कॉपी लिंक, तीसरी लिंक है शेयर ऑन मीडिया, और चौथी जी लिंक है डाउनलोड डाउनलोड।
जी तो यदि आप ओके डाउनलोड वाली लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा, राइट। तो अच्छा। एक एडवांटेज उससे आपको मिलेगा। यदि आप महसूस करते हैं तो उसका प्रिंट आउट वगैरह लेके ले उसे लेमिनेट करके यदि आइडेंटिटी कार्ड भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपको जो करना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहली लिंक है जो शेयर ऑन व्हाट्सएप, उसको क्लिक करिए और एक बार में 5 ग्रुप में आप भेज सकते हैं, तो आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उनमें भेज दीजिए उसको एज इट इज, राइट। दूसरा जो है, जब आपके ग्रुप खत्म हो जाएं तो जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको भी भेज दीजिए, ठीक है ना। एक बार में आप केवल 5 लोगों को भेज पाएंगे, तो हर बार आपको जो है ना इसी लिंक को क्लिक करके बार बार जो है वो 5 5 लोगों को भेजना पड़ेगा, जब तक आपकी लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं हो जाती है। इतना समझ में आ गया है क्या? लिंक भेजना है, लिंक। यही जो शेयर ऑन व्हाट्सएप वाला है, इसको क्लिक करके और फिर 5 सिलेक्ट करके उनको भेज दिया, फिर दूसरी बार क्लिक किया, फिर 5 को सिलेक्ट किया, फिर उनको भेज दिया, फिर तीसरी बार इसी जो ना शेयर ऑन व्हाट्सएप को क्लिक किया और फिर भेज दिया। इस तरीके से आपके मोबाइल में जितने लोग होंगे, जितने ग्रुप होंगे, उन सबको आप भेज पाएंगे। ये बात क्या अच्छा समझ में आ गई क्या? जी, समझ में आ गया। राइट। अभी जो काम आपने अभी किया है वैसा ही काम के लिए दूसरी लिंक का भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें जो कॉपी लिंक लिखा है तो उसको क्लिक करेंगे तो लिंक कॉपी हो जाएगी, राइट। अब आप किसी भी मैसेज में, व्हाट्सएप में उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए और अपनी भाषा में लिखिए कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जो आपके दोस्त हैं उन्हें क्यों जुड़ना चाहिए। और यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिए, उसके नीचे बी एन शुक्ला अपना नाम लिखिए, अपना पता, मोबाइल नंबर वगैरह लिख के भेजिए। तो ये बड़ा पर्सनलाइज मैसेज होगा और इस पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे तो लिंक सहित आपका ये मैसेज अब आपकी मेमोरी में आ गया। आप उसको एक एक ग्रुप को खोल के पेस्ट करते जाएंगे तो पहले आपका जो गया है वो अंग्रेजी में जो ऐप ने बनाया है वो मैसेज गया है। ये जो दूसरा मैसेज होगा ये आपकी भाषा में जिसमें आपकी तरफ से रिक्वेस्ट जा रही होगी वो जाएगा। दोनों लिंक को क्लिक करके जो भी जुड़ेगा उसका उसके लिए आपको हर जुड़ने वाले व्यक्ति के लिए 100 नंबर मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जी हाँ, समझ में आ गया। तो इसका जरूर आप उपयोग करिए। फिर दूसरी बात, आप काम करिए, अपना एक जो है शपथ लेते हुए वीडियो बनाइए। तो आज ही हमने अमन शर्मा को शपथ का जो है ना वीडियो दिया है। तो आप किसी भी बच्चे को वीडियो देके कहिए कि इसको रिकॉर्ड करो, 2 3 4 जो भी लोग हो हाथ बढ़ा के, जैसा अमन शर्मा को मैं शपथ दिला रहा हूं उसी को आप रिपीट करके वीडियो करके उसे मुझे टेलीग्राम ऐप में भेज दीजिए। तो शुक्ला जी, आप टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं क्या? इस तरह से है, लेकिन यूज नहीं करते हैं। जी आपने डाउनलोड किया है? हाँ, डाउनलोड किया। करेक्ट। तो टेलीग्राम ऐप, इसमें जो है अब लोगों को आप ये भी समझा सकते हैं कि जो आपकी लिंक से जुड़ जाएगा वो ठीक है, राइट। यदि किसी को आपकी लिंक नहीं पहुंच पा रही है और आपके मैसेज जो यदि आप हमारे जो मैसेज हैं उसको यदि फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें 3 लिंक हैं, राइट। अभी हम आपको लिंक बता रहे थे जो आपने ऐप में देखी है। अब आप व्हाट्सएप वगैरह में जाइए या टेलीग्राम में जाइए जहां पर कि आपको मेरा आज का वीडियो जो है ना आपको दिखाई देगा। आज का जो भी वीडियो आपको किसी भी लिंक पे मिला हो उसको जरा खोलिए। टेलीग्राम में चाहे तो आप इसी में खोल लीजिए, ऐप में ही। ऐप में जो है जो मैसेज आते हैं एडमिन पोस्ट पे, राइट। टेलीग्राम में क्राइम फ्री भारत। टेलीग्राम में क्राइम फ्री भारत में जिस जो भी जिस आपको मेरे मैसेज पहुंच रहे होंगे टेलीग्राम ऐप में भी, क्राइम फ्री भारत मिशन। हाँ उसको खोलिए आप जरा। खुला है। उसमें कोई आपको मैसेज आज दिख रहा है? एक केवल लिंक है। हाँ ठीक है।
उस मैसेज को जरा खोलिए और नीचे की तरफ ले जाइए, उसमें नीचे तीन लिंक हैं, दिख रही हैं क्या आपको? नहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं 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 उस मैसेज में नीचे है ना, मैसेज लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा करिए, फिर आपको लगेगा कि देशभक्तों से निवेदन है कि ये करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिताएं, ये करें वो करें, और उसके नीचे जो है आप उस मैसेज को और नीचे सबसे नीचे लिखा है व्यू चैनल। हाँ, तो व्यू चैनल जो है ना तीसरे वाली लिंक है, उसके पीछे ऊपर दो लिंक और हैं। अच्छा, मतलब जो आप जो व्यू चैनल है दैट इज ए क्राइम फ्री भारत की चैनल है, उसको आप क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करना है, ये तीसरी लिंक का है, ठीक है। इसके ऊपर जो दूसरी लिंक है वो टेलीग्राम ऐप वाली है, राइट। कविराज का खुला हुआ है, छोड़ दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी रहे उसमें, ये आपको लिंक दिख रही है ना, दूसरी लिंक जो है टेलीग्राम ऐप की है। तो उस टेलीग्राम ऐप की लिंक को आप क्लिक करिए, चूंकि आपने टेलीग्राम ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो आप क्राइम फ्री भारत का एक मेन ग्रुप है उसके सदस्य बन जाएंगे, जो अभी नहीं है शायद। आप सेकंड को क्लिक करिए जरा। किसको क्लिक करने को कहा जा रहा है? टेलीग्राम ऐप की लिंक है ना जो नंबर दो पे है, जो YouTube चैनल की सबसे लास्ट वाली लिंक आपने बताई है, उसके ऊपर जो है टेलीग्राम ऐप की लिंक है, ज्वाइन मेन ग्रुप ऑफ क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, मिशन टेलीग्राम ऐप, आपको दिख रहा है वो? नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये चला गया। अच्छा, टेलीग्राम वन स्टोरी करके। नहीं 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 टेलीग्राम ऐप जो आप अभी मैसेज देख रहे थे उसमें लिंक है, और यदि लिंक नहीं आई है तो जो यदि रीड मोर वगैरह हो तो वो नीला वाला सबसे नीचे उसको दबा दीजिए, जिससे पूरा मैसेज, कई बार पूरा मैसेज नहीं खुलता है ना, उसमें आधा मैसेज दिखता है और उसके नीचे रीड मोर लिखा रहता है। इसमें अभी भी मोर नहीं दिखला रहा है। अच्छा, आप व्हाट्सएप पे चले जाइए और व्हाट्सएप पे देखिए, व्हाट्सएप पर। हाँ व्हाट्सएप पे देखिए, जो भी लास्ट मैसेज आपको मिला हो उसको खोलिए। व्हाट्सएप पर क्राइम फ्री भारत। हाँ, जिस ग्रुप में भी आपको मेरे मैसेज मिलते हैं उसको खोल लीजिए। आपको मेरे मैसेज व्हाट्सएप पे मिलते रहते होंगे ना? आपका आता है, आप ही का नाम पर सर्च करते हैं। हाँ, तो उसे आपको मेरे नाम से सीधे आ रहा है तो उसको खोल लीजिए आप, जहां पे भी आपको हमारे मैसेज मिल रहे हैं उसको खोल लीजिए। मैथिली शरण गुप्त, मेरा अकाउंट खुल गया, मेरा अकाउंट 4449 है जिसका मैंने मैसेज आपको किया था। अच्छा, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें आप हमारे मैसेज दिख रहे हैं, आपको उसमें हमारे मैसेज दिख रहे हैं क्या कुछ? नहीं, इसमें कुछ मैसेज नहीं है। अच्छा, तो जिसमें भी आपको मैसेज मिलते हो, चाहे अपराध मुक्त भारत मिशन का ग्रुप हो या किसी न भी नाम से ग्रुप हो, जिसमें आपको हमारे मैसेज मिलते हैं जरा उसको खोलिए। अपराध मुक्त भारत मिशन, अपराध मुक्त। आप ऐसा करिए, आपने क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल क्या सब्सक्राइब किया है? नहीं, YouTube में क्राइम फ्री भारत मिशन का चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? नहीं तो आप YouTube को खोलिए जरा। नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी करा देते हैं। आप जो है YouTube चैनल को खोलिए। अच्छा, YouTube चैनल खोल दिया। खोल दिया, उसमें क्राइम फ्री भारत लिखिए। क्राइम फ्री भारत और उसको सर्च कर दीजिए। क्राइम फ्री भारत, भारत मिशन। मिल गया, खुल गया। खुल गया, उसमें मेरा फोटो वोटो दिख रहा है?
जी हाँ अच्छा, उसमें सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबा दीजिए तो वो सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। दबा दिया? सब्सक्राइब तो किया हुआ है। अच्छा ठीक है, सब्सक्राइब किया है तो अब इसके नीचे जो है, इस ऐप के नीचे की तरफ देखिए, एक बीच में प्लस साइन होगा और उसके बगल में एक टैब है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शंस, दिख रहा है? अपराध मुक्त भारत मिशन नहीं, आप अपराध क्राइम मुक्त भारत की मिशन पे पहुंच गए ना, सब्सक्राइब्ड है ना आपका पहले से ही? ऐप ऐप के माध्यम से देश एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने ऐप क्राइम फ्री भारत मिशन को जब आपने खोला और आपने पाया कि वो बटन ऑलरेडी दबा हुआ है, ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, जी एक में सब्सक्राइब लिखा होता है, जब आप क्लिक कर देते हैं, घंटी दबा देते हैं तो वो सब्सक्राइब्ड हो जाता है, ईडी आ जाता है उसमें, जी तो अभी सब्सक्राइब है या सब्सक्राइब्ड है? आपने घंटी बेल बता दी है कि जो सब्सक्राइब्ड है? सब्सक्राइब्ड ओके, तो इसका मतलब है आपके ऑलरेडी सब्सक्राइब है। अब आप उसी ऐप में नीचे की तरफ देखिए, जैसे पहले आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप में नीचे देख रहे थे, अब आप सबसे नीचे की तरफ देखिए, तो उसमें बीच में एक प्लस साइन है और उसके बगल में जो टैब है, आइकॉन है, उस पर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस, दिख रहा है आपको? सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है। नहीं 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 वो दिखेगा, देखिए सबसे पहला टैब है नीचे की तरफ, उस पर होम लिखा हुआ है, दूसरा जो है वो है शॉर्ट्स, फिर तीसरे दूसरा में में प्लस वीडियो दिखा है, दूसरा में वीडियो अच्छा, होम वीडियो ओके 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 शॉर्ट्स ओके ओके, आप ऑलरेडी अंदर हैं, अब आप वीडियो को क्लिक कर दीजिए। सब खुल गया। वीडियो खुल गया है, अब सबसे ऊपर वाला वीडियो है उस पर क्लिक करिए, एक काम करिए, उस वीडियो पे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए जरा। डिस्क्रिप्शन में जी हाँ, जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना, उसको क्लिक करिए, उसमें जाइए। डिस्क्रिप्शन तो नीचे नहीं मिल रहा है नहीं हमको। नहीं हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन हाँ, हर हर उसमें होता है, टाइटल, पहले टाइटल होता है, टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसको क्लिक मैं करेंगे तो होम वीडियो देखा जाए, होम वीडियो नहीं शॉर्ट्स नहीं लाइव हाँ प्लेलिस्ट करेक्ट, तो कम्युनिटी आपने वीडियो को, अब आपने आपने वीडियो को क्लिक कर दिया, कर दिया? जी हाँ सबसे अब वीडियो में जो सबसे ऊपर वाला वीडियो है उसको क्लिक करिए। इसको क्लिक कर दिया। तो अब क्लिक करने के बाद वो मतलब चलने के मूड में आ गया है, यदि आप उसको फिर से क्लिक करेंगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगा, राइट? अभी उस वीडियो के नीचे आपको टाइटल दिख रहा होगा और उसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है, आपका इसमें डिस्क्रिप्शन पहला वीडियो है, नहीं दिखाई देखिए दे रहा है। वीडियो के जस्ट नीचे जो है लिखा होता है टाइटल के, ये कुछ 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 लिखा होता है, जो भी उसका बतला रहा हूँ टाइटल कि क्या लिखा है। वीडियो है। के नीचे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का आइकन बना हुआ वो आप ऊपर देख रहे हैं, अब आप जो बॉक्स है उसको, जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो एक इमेज है, उसको छोड़ दीजिए, उसके नीचे आएंगे तो शेयर वेयर के बटन है और उसके उसमें शेयर बटन के ऊपर कुछ टाइटल दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा है, शेयर बटन। अमन शर्मा से चर्चा, ऐसा कुछ होगा वो, मैं या शेयर शपथ, या बटन के शपथ ऊपर आप भी शपथ लें, ये होगा उसका टाइटल। इसमें लिखा है शेयर बटन के ऊपर आपका फोटो है और क्राइम फ्री भारत से बाई मैथिली शरण गुप्त यही लिखा हुआ है। अच्छा, अभी आपने वीडियो को नहीं दबाया है, इसका मतलब वीडियो को दबाइए ना, और वीडियो में दबाने के बाद जो है, वीडियो के
आप अभी अंदर नहीं घुसे हैं, वीडियो के अंदर जाके पहले वीडियो को बटन दबाइए। यदि अरे तो आपको आप दबा मैथिली दिया। शरण गुप्त दिख रहा है, वो दिख रहा है, इसका मतलब है अभी आपको वो भी दिख रहा होगा, पहला होम टैब, फिर दूसरा वीडियो टैब, फिर शॉर्ट का, फिर प्लेलिस्ट का, फिर कम्युनिटी, वो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है अभी। अभी ये चला गया। अच्छा हाँ, तो आप वीडियो वाले को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को क्लिक किया क्या आपने? वीडियो को क्लिप कर दिया है। सबसे आप सबसे पहला वाला जो वीडियो है उस पर क्लिक करिए। ऊपर वाला। हाँ, मतलब उसमें तो पूरी लिस्ट आ गई ना वीडियोस की, जितने भी वीडियो हैं, 5,200 वीडियो हैं। सबसे वीडियो वाला तो क्लिप सबसे कर दिया ऊपर, है। सबसे ऊपर वाले वीडियो को खोलिए अब। सबसे वीडियो वाला ऊपर वाला ही खुला हुआ है। अच्छा अच्छा, अब उस ऊपर वाला जब वीडियो खुल जाएगा तो उसमें उसका टाइटल दिखेगा, शेयर करने का आइकॉन दिखेगा, उसमें एक थम्स का बटन भी होगा, उसको दबा दीजिए कि आपने उसे लाइक कर दिया हो। लाइक का बटन दबा दीजिए। हैं? यही नहीं खुल रहा है, खुल गया लेकिन वो सब नीचे वाला लाइक है, अनलाइक है, शेयर है, हाँ, तो रिबिट का है, आप लाइक को दबा दीजिए। लाइक को हाँ, लाइक दबा दिया। अच्छा, अब देखो उसके नीचे आपको उस वीडियो को कुछ टाइटल दिख रहा है, कोई हेडिंग दिख रही है? मैंने वीडियो के नीचे लिखा हुआ है, आप भी अपराध में तो भारत मिशन की शपथ लेकर अपने करेक्ट लिए करेक्ट इस अच्छा भारत बनाए। करेक्ट 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 ये टाइटल हो गया है। इस टाइटल के जस्ट नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन है। हाँ अभी अभी आपने जो पढ़ा है ये टाइटल है, ठीक है ना? इस टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, करिए उसको जरा। उसमें 6 व्यू 3 आवर्स से वो क्या है? आप भी अपराध में तो भारत मिशन, इसमें जो लिखा है ना, मिशन की शपथ लेकर अपने लिए अच्छा भारत बनाए हैं, इसमें लाइक करेक्ट में करेक्ट। 3 है, 2 में फोर है। अब इस पूरे मिशन, इसको चीज को स्क्रॉल करते जाइए जरा, उसके नीचे जाते जाइए, आप बिल्कुल ठीक जगह पे हैं, उसको आगे आगे तो बढ़ाते जाइए। उसमें लिखा गया कि आपका मैसेज है, आप देशभक्तों से आह्वान है। हाँ, भी अपने आप में भारत का मैसेज है। ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट फॉलो अलोंग यूजिंग द ट्रांसक्रिप्ट, नीचे है शो ट्रांसक्रिप्ट, हाँ ये हो गया। अब उसके नीचे है क्राइम फ्री भारत बाई मैथिली शरण गुप्त IPS, हाँ हाँ और इसमें 6.55K सब्सक्राइबर। अच्छा, आप ये जो पहला वाला वीडियो है कि आप भी अपना शपथ लें, इसको आप क्लिक करके और इसी के साथ पढ़ते हुए एक वीडियो आप बच्चे से रिकॉर्ड करा के भेजिएगा मुझे टेलीग्राम पे, ठीक है? मैंने इसमें इसमें ऊपर टाइटल के नीचे वाला जो है नहीं सो नहीं आप इस वीडियो को चालू करिए ना, जो बीट को वीडियो को प्ले करना होता तो उसमें क्लिक कर दिए तो वीडियो प्ले हो जाएगा। प्ले का तो शो कर रहा है, चल रहा है, लेकिन इसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। अभी इसलिए अच्छा नहीं सुनाई पड़ रही होगी क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना? बाद में सुनाई दे इसीलिए। जाएगी। तो जब इसको चला के कोई दूसरे बच्चे से, दूसरे से फोन करते हुए जो शपथ है उस शपथ को आप रिपीट करके अपना शपथ का वीडियो बना लीजिए, ठीक है ना? अच्छा और फिर अच्छा जिनको भी आपने अभी भेजा है उनकी 10-10 लोगों की सूची बना के 10 को टारगेट करना है कि उन्हें शपथ दिलाना है और वो 10-10 को जोड़ें, आपको यह उनके पीछे पड़ना है, ठीक है ना? ठीक यदि हम इतना कर पाए और जिसको हमने जोड़ा उसको हमने शपथ दिलाया, यदि वो 9 दिन तक इस छोटे से उपाय को कर लेगा तो आपकी संख्या 100 करोड़ हो जाएगी। है। अच्छा जो मैं कह रहा हूं एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो 9 दिन में आपकी संख्या 100 करोड़ हो जाएगी। जी जब 9 दिन में आपकी संख्या 100 करोड़ हो जाएगी और छत पर चढ़कर यदि हम वीडियो के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि आप क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना दीजिए और मैथिली शरण गुप्त को जो है नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के लिए बना दीजिए, तो आपको
सभी 100 करोड़ लोग जो है ना 303 की जगह आपको 543 सीटें दिलाएंगे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने लाभ के लिए क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना देंगे कि नहीं बना देंगे? लेकिन उनकी मंशा होगी तब ना। यदि वो नहीं बनाएंगे तो जो 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें हम चंद्रगुप्त घोषित कर देंगे, उन्हें सांसद का टिकट उनके घर पे पहुंचा देंगे, और इस 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, जिसको भी सांसद का टिकट मिलेगा, उसको जो है ना शपथ लेके हम विजयी बनाने का जो है ना उद्घोष करेंगे, और वोटिंग पोलिंग बूथ पर जाकर उसके नाम का बटन दबाएंगे, तो ये 543 लोग को बिना खर्च किए टिकट मिल जाएगा, और बिना खर्च बिना एडवर्टाइजमेंट के वो जीत जाएंगे। तो जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बोल वो तो सब ठीक है, लेकिन बोलने की आजादी को ही समाप्त जो व्यक्ति कर रहा हो। देखो, सामने वाला अपनी मनसा से काम करेगा, उसे करने दो, ठीक है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हम 10-10 लोगों को जोड़ के 100 करोड़ हो गए। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं, यदि उन्हें 303 सीटों में ही अच्छा लग रहा है, 543 सीटें नहीं चाहिए, तो जिन लोगों ने 543 लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन टिकट दे देगा अपनी पार्टी के माध्यम से, और उनको हम छत पर चढ़ के विजयी बना देंगे। तो मैथिली शरण गुप्त सहित 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। जब वो जीत जाएंगे तो फिर मैथिली शरण गुप्त माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करने की बजाय खुद जो है पार्लियामेंट में बैठकर जो है इन 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतार देंगे कि नहीं उतार देंगे? पहले हम तो ये देख रहे हैं कि जहाँ इस तरह से खरीद फरोख्त हो रहा है कि हमने जिसको जिता करके भेजा वो बिक्री हो रहा है, बेचा जा रहा है, और खरीदने वाला खरीद करके मनमाना कर रहा है। तो इस पर क्या हम तो ये कह रहे हैं कि जो अभी हो रहा है होने दिया जाए, राइट। ये तो आज के राजनेता कर रहे हैं ना, जो करोड़ों रुपए देकर टिकट ले रहे हैं, जो करोड़ों रुपए जो है ना खर्च कर रहे हैं दूसरों को बिठाने के, दूसरे के कैंडिडेट को खरीदने के लिए, जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, किस बात के करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं? सभी दलों की हालत यही है, सभी दलों के नेता यही कर रहे हैं। आप अपन देखिए, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मान बात मान के 21 लक्ष्यों का कर दिया तो अपना तो काम बन गया कि नहीं बन गया? सब दल भाड़ में जाए, ठीक है ना। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात नहीं मानी तो ऐसे 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन में जोड़ा होगा, उन्हें हम सांसद का टिकट उनके घर पे पहुंचा देंगे, और फिर उन्हें अपना प्रचार भी नहीं करना होगा, हम खुद 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर अपने चंद्रगुप्तों को जिता देंगे, तो 543 लोग जीत जाएंगे ना। भाजपा सहित, कांग्रेस सहित, सपा सहित, बसपा सहित, जो आज के दल हैं वो सब हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? ना, वो तो हो जाएगा। तो अब जो दूसरे दल में क्या हो रहा, बात खत्म हो गई ना। अब तो मैथिली शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त के 543 लोग और उनके 21 लक्ष्यों के प्रति वो कमिटेड हैं, तो मैथिली शरण गुप्त अपने 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट में बैठकर इन 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतार देंगे कि नहीं उतार देंगे? पार्लियामेंट में जाने के पहले ही 543 लोगों को अगर अरेस्ट कर लिया और जेल के सिक्के में ठूस दिया तब क्या होगा? जब वो कहीं जा ही नहीं रहा है, अपना प्रचार ही नहीं कर रहा है, तो किस आरोप में उसको बंद करेंगे? नहीं, किस आरोप में बंद करेंगे? वो बेचारे ने तो कुछ किया नहीं है, वो तो बेचारा अपना प्रचार भी नहीं कर रहा है। 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के उसके लिए कह रहे हैं कि मैं भैया इसको टिकट दूंगा, क्योंकि इसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है और इसको क्राइम फ्री भारत मिशन में सांसद का टिकट दिया है। तो वो व्यक्ति नहीं, ये बताइए वो व्यक्ति क्या, ना तो अपना उसने कुछ किया है, उसने केवल जो है अपना नॉमिनेशन भरा, इससे ज्यादा तो उसने कोई काम किया नहीं है। किया क्या उसने और कुछ नहीं किया। तो वो खुद जाके जब लोगों को शो कर देंगे तो उसको पुलिस या कोई किस बात में गिरफ्तार करेगी? क्या गलती में गिरफ्तार? प्रयास तो चल रहा है लेकिन यह काम जल्दी नहीं हो पाएगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये देखिए, जस्ट ए मिनट, यदि माननीय शुक्ला जी आप वयोवृद्ध हैं, आपकी उम्र लगभग 80 साल होने को है, और बल्कि 80 साल को पार
हैं? 80 से ऊपर हैं। हाँ, 83 साल के हैं शायद, यदि मैं ठीक ढंग से याद कर रहा हूं तो, है ना? तो आप 83 साल के हैं, यदि हम सिर्फ शपथ लेने वाला काम करते जाएं और अपने ही परिवार के लोगों को जोड़ें, अपने ही जो है मित्रों को जोड़ें, अपने ही पड़ोसियों को जोड़ें, अपने आसपास के युवाओं को जोड़ें, अपने आसपास को वो करें और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ें और उन्हें शपथ दिलाएं और उन्हें याद दिलाएं कि वो भी 10-10 को जोड़ें, 9 दिन में महा चमत्कार हो जाएगा। 9 दिन तो बहुत छोटा समय है, अभी तो आपके पास 1-2 महीने हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी अनुभव किया है कि जितने हमारे मित्र हैं सब मृग मरीचिका में पड़े हुए हैं। आप देखिए, जो जिस मरीचिका में पड़ा है वो पड़ा रहे, जो किसी का अंधभक्त है बना रहे, किसी का दल गुलाम है बना रहे, राइट? वो किसी संगठन को चला रहा है, समाज सेवा कर रहा है, वो सब करता रहे। हम किसी को बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं ना, हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि 21 लक्ष्यों के लिए भैया शपथ ले लो और अपने ही परिवार के 10 लोगों को जोड़ने का क्रम मत तोड़ने दो, 9 दिन, 9वें दिन चमत्कार हो जाएगा। तो हम क्या किसी को बदल रहे हैं क्या? क्या यदि कोई मृग मरीचिका में फंसा हुआ है तो क्या हम मृग मरीचिका से बाहर आने के लिए कह रहे हैं क्या उसको? क्या वही हम ना, उस हम तो अपनी बात कहते हैं तो कहता है कि असंभव है, होना ही नहीं है ऐसा वो नहीं ऐसा नहीं नहीं उससे होता नहीं नहीं देखिए उसको कहिए कि या तो इसे माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और है। माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त करेंगे। तो क्या वो आपके ऊपर कोई बोझ डाल रहे हैं क्या? आपसे जो छोटा सा उपाय करने के लिए कहा गया है क्या वो उपाय कर देंगे आप? बस इतना पूछो उनसे। सही है, वो नहीं, 21 21 पॉइंट जो है, 21 पॉइंट इसमें निकल जाएगा। हाँ, 21 पॉइंट निकल जाएगा, हमने पहले भी आपको शेयर किया हुआ है। आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे फिर से हेलो भेज दो इसी नंबर पे, तो मैं आपको फिर से जो है ना वो 21 लक्ष्यों का डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, तो उसे आप शेयर भी कर पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। हाँ तो वही और वही किसी को यदि यदि और किसी को ये लगता है कि कोई लक्ष्य रह गया है तो वो हमें अलग से लिख के भेजिए, हम 21 लक्ष्यों की जगह 25 लक्ष्य बना देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। कैसे पहले घूमे ना, उसके बाद में और को देखा जाएगा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो, वो जो काम है वो अभी आप मुझे हेलो भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको अभी वो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। आप मेरी प्रार्थना ओके सुनिए, आप सामने वाले से कहिए कि आप किसी के दल गुलाम बने हैं बने रहिए, आप किसी के अंधभक्त बने हैं बने रहिए, आप मृग मरीचिका में फंसे हैं फंसे रहिए, आप यदि कोई समाज सेवा या और कोई संगठन चला रहे हैं उसे यथावत चलाते रहिए। मैं आपको कुछ भी चीज बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको कोई जुलूस निकालने के लिए कह रहा हूं, ना मैं आपको कोई धरना देने के लिए कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ छोटा सा उपाय करने के लिए कह रहा हूं और आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं डाल रहा हूं ना, छोटा सा उपाय कर रहा हूं कि भैया शपथ ले लो और शपथ का वीडियो मुझे भेज दो। दूसरा, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को और जिन संगठनों से भी आप जुड़े हैं उनके बीच में जाकर मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत वाला जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक है उसको साथ में बैठ के सुनिए। जो लोग सहमत हैं उनको शपथ दिलाते दीजिए, जो सहमत नहीं है उनसे पूछिए कि वो बताएं कि वो क्यों सहमत नहीं है। तो वो क्यों सहमत नहीं है उसका वीडियो बना के मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेज दीजिए, मैं उसका जवाब भेज दूंगा, वो भी वीडियो बनाकर। तो वो वीडियो ही उनको दिखा दें, आपको उनको नहीं समझाना है, जो मैं उनको समझाऊंगा वो उनको दिखाइए, और यदि वो फिर भी नहीं समझते हैं तो उन्हें उनके रहमो करम पे छोड़ दीजिए, वो 9वें दिन खुद लौट के आपके पास आएंगे। तो जो ठीक लोग जुड़ते जा रहे हैं क्या वो दूसरे लोगों को जोड़ने का और शपथ दिलाने का छोटा सा उपाय कर सकते हैं? सिर्फ उन्हें और कुछ नहीं सोचना है, केवल ये सोचना है कि लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ना है, बाकी का जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कराएं या खुद पार्लियामेंट में जाके कराएं, ये मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए। अपने दिमाग पे बोझ मत डालिए, पुराने अनुभवों का बोझ मत डालिए, 9 दिन में महा चमत्कार हो जाएगा। क्या माननीय बीएन शुक्ला जी आप जो बिल्कुल है अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? तो क्या ये जो अपने अपने बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए चाहते हैं।
हाँ आपके लिए तो सभी बच्चे ही हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके लिए जो छोटा सा उपाय बता रहे हैं, बिना दिमाग लगाए इतना छोटा सा उपाय कर देंगे। एकदम सही है। आप अपना पे सबसे पहले अपना वीडियो बनाइए। आज जो सुबह आपने अभी जो देखा है, ये वीडियो ही है शपथ लेने वाला। इसी को चला दीजिए तेज तेज, और इसी के साथ रिपीट करके अपना वीडियो किसी से भी बनवा लीजिए। वो सबसे पहले आप अपना वीडियो भेजिए, राइट? ठीक। और फिर उसी तरीके का वीडियो उनको बनाने के लिए भी कहिए, और 10-10 लोगों को जोड़ने के लिए कहिए। 9वें दिन महाचमत्कार हो जाएगा, और हम आपको कुछ भी तो करने के लिए नहीं कह रहे हैं ना, एकदम सही। तो कुछ करने के लिए नहीं कह रहे, तो इतना छोटा उपाय कर लो। और आप सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा तो उसे सोचते रहिए, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। जो होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना। यदि नहीं भी होता है तो आपके आपका तो कुछ जा नहीं रहा है, तो कुछ जा रहा है? अच्छा, यदि नहीं भी होगा तो आपकी जेब से कुछ चला जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो फिर कर लीजिए छोटा सा उपाय। तो माननीय बीएन शुक्ला जी, आप वयोवृद्ध हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपका ब्लेसिंग हम हमेशा महसूस करते हैं। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कल जो है आप अपना खुद का वीडियो जो है ना बना के भेजें, और उसके लिए इसी शपथ को चलाइए, और उसी के साथ दोहराते जाइए, और कोई दूसरे से कहिए कि उसको वीडियो, जो जितने भी लोग हैं वो सब हाथ उठा के शपथ लें, और हर दिन जो है ना 10 लोगों को जोड़ने का जो है ना बिना ब्रेक किए हुए 9 दिन तक कार्रवाई करेंगे। और जो लोग जिनको जोड़ रहे हैं उनके पीछे भी पड़े रहेंगे कि वो 10-10 लोगों को जोड़ें, तो 10वें दिन महाचमत्कार हो जाएगा। या तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मानकर 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना देंगे, और हम उनको 303 की जगह 543 सीटें दिला देंगे। यदि किसी कारण से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं, तो ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनकी मेरिट लिस्ट बनाकर उन्हें सांसद का टिकट पहुंचाने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। उन्हें केवल अपना ठीक नॉमिनेशन भरना होगा, उन्हें अपना चुनाव प्रचार नहीं करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, अपने घर में बैठे वो। हम लोग जो 100 करोड़ लोग हैं, छत पर चढ़कर अपने इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाने का संकल्प लेंगे, और वोटिंग के दिन जाके उसके वोटिंग मशीन में जाके बटन दबाएंगे। तो आप बताइए हमारे चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल। तो बताइए हमारे जेब का कुछ गया क्या? ठीक और ये मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़िए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे या मैथिली शरण गुप्त करेंगे, आपको तो लड्डू खाने को मिलना है। और यदि आप ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है, तो इसे सोचते रहिए, हम आपकी सोच नहीं बदलना चाहते हैं। सही बात है। इसी सोच के साथ आप छोटा सा उपाय कर दीजिए। इस छोटे से उपाय में आपका कुछ जा रहा है क्या? कुछ नहीं जाने को है। ठीक तो फिर कर लिया जाए। 9 दिन छोटे होते हैं, जेब से कुछ जा नहीं रहा है, हमें कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, कोई पिटीशन नहीं देना पड़ रही है, किसी के दफ्तर में नहीं जाना पड़ रहा है, ना दिल्ली जाना पड़ रहा है, ना जंतर मंतर में जा रहा है, ना 5 पैसे लग रहे हैं। तो एक छोटा सा उपाय कर लेना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा? एकदम उचित रहेगा। तो वीएन शुक्ला जी, मैंने आपको तकलीफ दी, लेकिन आपके आपके आशीर्वाद से भारत के निवासियों को एक अच्छा भारत मिल जाए, इसकी मैं प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम।